बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबद दोस्त इलेक्ट्रिशियन। आप देख रहे हैं आबद दोस्त यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आपके दुआओं से, अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक हूं। अपने प्यारे दोस्तों की खिदमत में आज एक और नई वीडियो लेके हाजिर हो गया है आपका अपना दोस्त। दोस्तों, आज एक पानी की मोटर है, नफूरा अरबी में बोलते हैं उसी को। एक टप के अंदर पानी को भर के साफ करके उसी को हमने आज फिटिंग करनी है, सेटिंग करनी है। तो आज उसी की मुकम्मल वीडियो है। वो मोटर को डब्बे से अनबॉक्सिंग भी करेंगे, दिखाएंगे, उसी के फिटिंग करेंगे पानी के टप के अंदर। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना है, जुड़े रहे चैनल के साथ। वीडियो बैक कैमरा कर लेते हैं, अभी बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ से ये है एक मटका, इसके ऊपर लगा हुआ मट्टी का, इसके ऊपर जो रस्सियाँ बांधी हुई डेकोर के लिए, और ये एक प्लेट लगाई हुई लकड़ी की। उसके बाद एक नाली की शक्ल में है जे है मट्टी की, और नीचे जे है टप। टप के अंदर है मोटर, जो पुरानी ख़राब हुई है, अभी हमने इसको बदलना है। बदलने के बाद में जे है मेरे हाथ में जो नई मोटर है लेके आए, अभी इसको हमने लगाना है। जे इसी तरह की है, वही शक्ल की, वही डिज़ाइन की है, लेकिन कंपनी और हो सकती है, लेकिन चीज़ वो हुई है। तो यहाँ से देख सकते हैं, अभी हम इसी को डब्बे से ओपन करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद में इसकी फिटिंग करेंगे, इस पानी के अंदर टप को भरेंगे। इसकी सफाई कर रहे हैं, करने के बाद में टप को पानी से भरना है। भरने के बाद में जो इसका पैप है, इसमें से पानी मोटर उठाएगी। उठाने के बाद में इसमें आएगा पानी, इसमें से फिर जो तीसरे नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर से फिर नीचे वाले टप में पानी दोबारा गिरता रहेगा। तो अभी हम मोटर को खोलते हैं। दोस्तों, ये है इसी तरीके से मोटर, इसी तरह की, और इधर रख देते हैं। रखने के बाद में इसके अंदर क्या है, और ये है इसके ऊपर, इधर एक टैट होगा। टैट होने के बाद में इसके ऊपर ये ही पैप लग जाएगा। तो फिर हमारी जो मोटर की फिटिंग इधर हम करेंगे। इसमें से पकड़ने के लिए जगह भी दी हुई है, ये और डिज़ाइन है, लेकिन चीज़ वो हुई है। मोटर इधर से पानी उठाएगी। डबल पंखा है इसके अंदर, इसके अंदर है सिंगल पंखा, ठीक है। अभी हम इसको फिटिंग करते हैं। करने के बाद में इसके अंदर सफाई वगैरह भी करनी है। करने के बाद में ये जो तार है 4 मिली की, हम बिजली लेके आ गए हैं इधर 220 की। यहाँ से खदाई करके खोद के इधर से लेके आए हैं तार। इधर बटन दिया है, ये है इसका, इस तरह का इधर भी खूबसूरत रास्ता आ रहा, और दोनों साइड में वो दरख्त हरे भरे हैं। यहाँ से पत्थर लगा हुआ रास्ते में, ये साथ में है लालटेन, ये रात के टाइम इसके अंदर बल्ब लगा है, चलती है बल्ब, बिजली पे चलती है, मिट्टी के तेल पे नहीं। मिट्टी के तेल का जो इसका ज़माना था ख़त्म हो गया। अभी आजकल ये ही लालटेन और बल्ब 220 में चल रही है। और दोस्तों, यहाँ से इस साइड में से भी देख लें ज़रा थोड़ा सा, इस साइड में से भी रास्ता है हरे भरे, और दोनों साइड में हरियाली, हरे भरे नज़र आ रहे हैं, और दोनों साइड में रूम है। पीछे आखिर में बहुत दूर पहाड़ है ऊंचे। दोस्तों, यहाँ से भी हम इसका इधर इसका खोलते हैं ढक्कन। खोलने के बाद में यही पैप इस्तेमाल करना है। लो दोस्तों, ये होगी है मोटर हमारी, पुरानी लैदा कर दी है। अभी हमने इसका जोड़ करना है नई वाली मोटर का, इधर तार के साथ इसमें से ज्वाइन कर देते हैं। इसका हमने अभी ज्वाइन कर लिया है। करने के बाद में इसका जो जोड़ है ये पैप के अंदर दे देते हैं, ताकि पानी के अंदर कोई बिजली वगैरह नहीं जाएगी। अभी हमने इस पैप के अंदर से जो निपल इसका जो लगेगा आगे साकट, वो है ये। अभी हमने इसको इसमें फिट करते हैं, इसके अंदर टेप मार के फिट करना पड़ेगा। पैप मोटा है, ये थोड़ा सा बारीक है। अभी हमने इसको टेप लगाई है। लगाने के बाद में दोस्तों, इसके ऊपर इसको चूड़ी इसकी लगा देते हैं। उसके बाद ये बचा इसका पैप, अभी पैप इसको इसके ऊपर आ जाएगा। लो दोस्तों, ये हो गया है हमारा फिट। अभी हमने इसको पानी के अंदर इसको रख, इसके अंदर सफाई करते हैं थोड़ी सी।
पाइप से हम भर देते हैं। भरने के बाद में फिर बिजली चालू करके मोटर रखेंगे अंदर इसके। पानी हमने भर लिया है, अभी हमने इसका जो बटन है हमारा इधर बटन को चालू करते हैं। इधर है हमारा बटन वो मोटर का। मोटर में इसमें आवाज़ आ रही है, हमारी मोटर चालू है। अभी जैसे पानी के अंदर रखेंगे तो रखने के बाद में पानी उठाना शुरू कर देगी इंशाल्लाह। पानी आ रहा है, भर गया, आना शुरू हो गया। जी दोस्तों, यहाँ से जो हमारा इधर तक माशाल्लाह हमारा काम फाइनल हो गया है, मुकम्मल हो गया है। मोटर इसके अंदर रखी गई है तो पानी थोड़ा सा बाहर आ रहा है, इसकी सेटिंग कुछ करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ से अभी ऐसे वाली मोटर हमने एक दिन के अंदर आज लगाई है दो, तो वीडियो में बना पाया है एक, तो दूसरी की भी थोड़ा सा इसी वीडियो के अंदर ही दिखा देता हूँ। अभी जमा से देख सकते हैं किस तरीके से हमारा काम चालू हो गया है। डेकोर के साथ बनाया हुआ है पानी का, खूबसूरत देखने के लिए ऐसे पानी गिरता है। तीसरे नंबर पे जाते थे, चौथे नंबर पे टप के अंदर ही पानी जा रहा है। जी दोस्तों, इस साइड में जो वो है जो एक मोटर हमने सुबह लगाई है उसी को भी दिखा देता हूँ। यहाँ से इसी वीडियो के अंदर ही उसी की 20 सेकंड की वीडियो बनाई है बस शॉर्टकट में, तो ये मुकम्मल वीडियो बनाई है, इसी की फिटिंग की है। ये है एक सामने जो ये है दूसरे नंबर का दोस्तों। यहाँ से इसके अंदर वो जो फेरी होती बर्तन धुलाई वाली वो डाल दी है, तो पानी के अंदर झाग ही झाग हो गई है रूई की तरह। ये भी इसी तरीके से बना हुआ है मट्टी का ही, और मटका है इसके नंबर, ये भी मट्टी का, नीचे भी मट्टी का, नीचे एक टप है, इसके अंदर पानी गिर रहा है। देख ले माशाल्लाह कितना खूबसूरत अंदाज से इधर रास्ता है जा रहा है, रास्ते के साइड में है दोनों साइड में, एक वो आगे है जो अभी इसी की वीडियो की पूरी मुकम्मल आपने देखा है, और दूसरे नंबर पे ये है इसके अंदर पानी के अंदर वो फेरी डाली है, इस वजह से सफेद झाग बहुत ज़्यादा हो गई है। जी दोस्तों चलते हैं उसी की तरफ जो अभी हमने लगाई है मोटर। जी दोस्तों ये है जो अभी हमने वीडियो के अंदर मुकम्मल इसकी फिटिंग की है। अभी तो ही वीडियो को बंद कर देते हैं दोस्तों। जी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें। जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेल के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, जब तक के लिए करते अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।